हेलो फ्रेंड, दिस इज प्रशांत अगर अगेन फ्रॉम कोलकाता। तो फ्रेंड, आज हम जो वीडियो आप लोगों को सामने लेकर आया हूँ वो है फ्रेंड, जैसे कि इस डिज़ाइन को मैंने कल अपलोड किया था, ठीक है, और इमेज को मैंने अपलोड किया था। आज मैं इसको दिखाऊंगा फ्रेंड, कैसे इसको आप ड्राफ्टिंग करें, कैसे इसको बटन कटे और उसके बाद कैसे इसको स्टिच करें, ठीक है। तो आप लोग देख रहे हैं, और इसे करने के लिए फ्रेंड ये तो देख रहे हैं जैसे कि एक डिज़ाइन क्या हुआ, एक ब्रोकेट है इसमें, और ये टिशू है, और ये जैसे कि कॉटन कपड़ा है, और ये जेब्रा का पार्पिन रखा है, और इसमें देखिए डाउन अलग से डाउन इसमें है। तो फिर मैं आप लोगों को इस वीडियो में पूरा तैयार करके नहीं दिखाऊंगा, ठीक है, जैसे हमेशा मैं दिखाता हूँ बैक पार्ट और स्लीव्स हम दिखाएंगे, ठीक है। तो ये डिज़ाइन को फ्रेंड ये देखिए, जैसे कि हमारे पास एक पैटर्न है, मैंने पहले भी आप लोगों को बोल दे चुका हूँ फ्रेंड, आपके पास बेसिक पैटर्न होना बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड ये मैं चोली कट कर रहा हूँ, तो इस डिज़ाइन का कोई भी ब्लाउज में आप कर सकते हो, बैक में कोई बात नहीं है। तो हम क्या करेंगे फ्रेंड, ये देखिए हम 34 साइज करेंगे, ठीक है। ये देखिए हमने ऐसे कटिंग करके रखा है हमारा एक बैक पार्ट, और ये 34 लिखा हुआ है देखिए, और ये फ्रेंड 34 का स्लीव है ये, ठीक है। और इससे हम देखिए कैसे हम दिखाते हैं इस डिजाइन को, ये बहुत यार फ्रंट में देखिए कुछ नहीं है, ये सिर्फ चोली कट है और स्लीव्स में थोड़ा सा डिजाइन है। हम सभी का पैटर्न कैसे बनाएंगे आप लोग हम दिखाएंगे। तो चलिए उससे पहले मैं ये बात दिखा दूं फ्रेंड, ये सभी हम दिखाएंगे इस कपड़े से गिटार कटेंगे। उससे पहले मैं बता दूं, जो लोग हमारा वीडियो देख रहे हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है उन लोगों से कहूंगा आप लोग हमारे चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए। उससे क्या होगा, मैं जितना वीडियो इंटरनेट पर डालूंगा वो ऑटोमेटिकली आपके चैनल पर चला जाएगा। जो फ्रेंड घर में बैठकर हमारा वीडियो देख रहे हैं सीख रहे हैं, लोगों से फिर से मैं हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक्स कह रहा हूँ। आप इसी तरह देखते रहिए और सीखते रहिए। तो चलिए इस डिजाइन के लिए ये ब्रोकेट का एक कपड़ा लगेगा, ये हमारा जेब्रा है, और ये है फ्रेंड जैसे कि कॉटन कपड़ा, और कुछ नहीं चाहिए इस डिजाइन में फ्रेंड। हम धीरे धीरे देखिए, पहले मैं पैटर्न बनाऊंगा, उसके बाद और भी कुछ है जो हम दिखाएंगे फ्रेंड। तो देखिए जब आप लोग कटेंगे फ्रेंड किस तरीके से इसे लेना है, ठीक है। तो ये देखिए जैसे कि हमारा इधर एक साइड है फ्रेंड, ये देखिए इसी तरह आपको लेना है। तो फ्रेंड मैं आप लोगों को जब सिखा रहा हूँ फ्रेंड, कुछ भी हाइड नहीं कर रहा हूँ, आप लोगों को समझा कर मैं सिखा रहा हूँ। जैसे कि आप क्लास में सीखने के वक्त करते हैं, आपके मन में अगर कोई क्वेश्चन है तो वो हम जानते हैं। ये काम करने के बाद अगर कोई नया ये पैटर्न करे तो इसका उसका मन में क्यों किस किस क्वेश्चन आ सकते हैं, तो वो सब हमें आप लोगों को क्वेश्चन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपके मन में कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा। मैं धीरे धीरे सभी एक साथ में दिखा रहा हूँ और मैं दिखा दूंगा सभी, ठीक है। तो ये देखिए कैसे हम इसको पैटर्न करें। तो फ्रेंड पहले ये देखिए डिजाइन है, ठीक है। तो आपको क्या लेना है, देखिए मैंने इसको फोल्ड कर लिया है, ठीक है, और ये फ्रेंड बहुत इजी तरीके से मैं आप लोगों को डिजाइन करना सिखा रहा हूँ। जैसे कि आप हमारे चैनल को आप देख रहे हैं, आप एक डिजाइन अगर देखिए तो आप बहुत सारा डिजाइन खुद ब खुद आप खुद ही बना सकते हो, ठीक है। इस स्टैंडर्ड का मैं डिजाइन सिखाता हूँ आप लोगों को। तो देखिए ये हमारा फोल्ड किया हुआ पार्ट इधर रहा, ये देखिए मैंने बैक पार्ट भी इधर रहा, ठीक है, सिंपल सा है, हमें इसी मेजरमेंट का बनाना है हमारा। तो जैसे कि हम लोग काम करते हैं, बहुत सारा पैटर्न है हमारा पास, तो ये देखिए हमें ऐसा करना है, पहले ड्रॉ करना है, ठीक है, और इसमें लिखना है 34 का है, और अब आपको क्या करना है, ये देख रहे हैं फ्रेंड ये मिडिल का जो गैपिंग है इसको आपको पहले लेना है। तो ये देखिए कितना है,
ये जो गैपिंग है कितना है, ये देखिए 5 में इसमें है, और ये आपको पॉइंट पहले आपको चुनना पड़ेगा और ढूंढना पड़ेगा कहाँ पर आपका ब्लाउज में ये पॉइंट होगा, ठीक है। तो हम देखा इसमें 5 है फ्रेंड, तो हम क्या करेंगे फ्रेंड, ये देखिए 5 हम नहीं ले रहे मगर हाफ इंच हम इधर ले रहे हैं, ठीक है। तो टेप से आप लोग मेजरमेंट तो देख ही रहे हैं फ्रेंड, ये देखिए 5 हमारा उस तक है, मगर वो क्या है, वो कट लगाने के बाद जब हम फोल्ड किया है तब इस तक रुका, तो हम 4.5 लेंगे इसे, ठीक है। ये देखिए और ऊपर से कितना है फ्रेंड, वो भी हमें देखना पड़ेगा। ये देखिए ऊपर से कितना है, ये देखिए लगभग 9.5 है, मगर आपको देखना पड़ेगा 9.5 इस ब्लाउज का साइज कितना है। ये देखिए 14 है, 14.5 है, तो ठीक है, ये 34 साइज का ब्लाउज है, तो ये हम ऊपर से हम उतना ही लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा इधर उधर हो जाए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा, क्योंकि ये तो कपड़े का अंदर रहेगा ये, ठीक है। 9.5 है तो हम 9.5, ये देखिए किस तरीके से हम ले रहे हैं फ्रेंड, ऊपर में छोड़ दिया है फ्रेंड, ठीक है, देख रहे हैं आपको ऊपर में छोड़ कर मैंने ये ले आओ 9.5 इधर से ये, तो ये देखिए ये पॉइंट हमें पता चल रहा है, ठीक है। और उसके बाद हमें क्या करना है फ्रेंड, देखिए इसे मार्क करना है, जैसे कि ये देख रहे थोड़ा सा ये देख रहे हैं आप, तो ये देखिए इसे 1 इंच है, तो 1 इंच अगर है तो हमें लेना है फ्रेंड, क्या लेना है, थोड़ा सा हम कम लेंगे, ठीक है, ऐसे लिया है, और उसके बाद इसको ऐसे शेप देना है, आपका शेप अगर जितना हो आप उसे दे सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ऊपर में से इसका फूट हमें देखना पड़ेगा, फूट कितना है फ्रेंड, ये देखिए 2.75 उसका फूट है, 2.75, ये देखिए ये है, और इसे आपको ये देखिए ब्लाउज पर देखिए शेप कितना दिया है, यानी कि ऐसे स्केल रखे फ्रेंड, ठीक है, ये देखिए। तो फ्रेंड आप लोगों को सिखाने के लिए ये बहुत अच्छा तरीका है, जैसे कि कभी किसी को अगर ये पता ना चले क्या कितना शेप देना है, तो इसलिए हमने ये दिखा दिया फ्रेंड, ये देखिए कितना इजी है, ये ऐसे है, और उसके बाद ये देखिए ऐसे इसको टेप ला दे, यानी कि हाफ इंच है, ठीक है। तो फ्रेंड आप भी इसे ऐसे करें, तो ये देखिए बहुत आसान टेक्निक है फ्रेंड, यानी कि ये हाफ इंच मैंने देखा, मगर मैं लूंगा फ्रेंड इतना लूंगा, क्योंकि ये तो कट लगाने के बाद ऐसे दिख रहा है, ठीक है, तो हम इसे लेंगे फ्रेंड ऐसे लेंगे, ठीक है, ये देखिए हो गया, और कुछ नहीं है, और नहीं कुछ नहीं है फ्रेंड, बैक पार्ट कटने का और कोई तरीका नहीं है, और यही है एक तरीका, और इसे इसमें फोल्ड चिन्ह है फ्रेंड इस तरफ, ठीक है, हम इसे कटेंगे, कटिंग तो हमारा हो गया, तो फ्रेंड मैंने एक वीडियो को अधूरा छोड़ा, जैसे कि आर वाला डिजाइन हमने स्टिचिंग नहीं दिखा है, तो वो हम दिखा देंगे, ठीक है, उस टाइप का कपड़ा हमें मार्केट में नहीं मिल रहा है, इसलिए थोड़ा सा डिले हो रहा है वो वीडियो, वो भी हम दिखा देंगे आर, ठीक है, आप उसी तक करना, और उसके बाद अगर आपके पास कपड़ा हो तो आप खुद ही बना सकते हो, मगर कोई बात नहीं है, आप तैयार करना नहीं कर सकते तो कोई दिक्कत नहीं है, हम वो वीडियो भी दे देंगे, ठीक है, कपड़ा हम ढूंढ रहे हैं मार्केट में, कपड़ा मिल जाएगा और हम दे देंगे वो, ठीक है। तो फिलहाल तो ये आज के बाद जैसा नंबर होता है वो इस वीडियो में होगा, हाउ टू मेक फैशनेबल डिजाइनर ब्लाउज आज से बाद ये होगा, ठीक है, तो आप लोगों को कोई चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए इसके तो हो गया, और इस पार्ट को भी चाहिए फ्रेंड, ये जैसे कि ये हमारा पार्ट है ना, तो इसे भी चाहिए हमें,
ये देखिए तो ये इसको क्या करना है फ्रेंड, जैसे कि इसको मेजरमेंट लेना है आपका टोटल इसका हाइट कितना, यानी कि ये देखिए 7 इंच इसमें है। तो 7 का मतलब है फ्रेंड ये जैसे हमने कटिंग के ऊपर में हाफ इंच रहेगा। तो फ्रेंड मैं एक बात आप लोगों को बोल दूं फ्रेंड, मैं सभी वीडियो में सिखाने के लिए बोल रहा हूँ।